आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ये टू डायमेंशनल मोशन है। इफ यू टेक दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर, इट गोज लाइक दिस, है ना। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इफ यू इज द इनिशियल स्पीड या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद भी होगा। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। एंड दिस इज एक्चुअली द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। ये वाला केस किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको पता होगा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin θ/g। गुड। उसके बाद बच्चों टाइम ऑफ एसेंट की हम बात करेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा। तो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, एंड दैट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, u sin θ/g। और यही वैल्यू टाइम ऑफ डिसेंट का भी होता है। तो यहां से यहां जो है वो टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा, और यहां से यहां जो होगा टाइम ऑफ डिसेंट। यहां से यहां टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से यहां जो होगा टाइम ऑफ डिसेंट, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। उसके बाद बच्चों अगर हम रेंज की बात करें कि रेंज कितना होगा, तो रेंज होता है क्या बच्चों, आपको याद होगा रेंज इज इक्वल टू u² sin 2θ/g। और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, 2u² sin θ (cos θ/g). इसको और क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये जो वेलोसिटी u है उसका कंपोनेंट अगर लेंगे इधर की तरफ, दैट विल बी u cos θ। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। इसको आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज u पैरेलल। और इधर जो कंपोनेंट लेंगे इसका, दैट इज इक्वल टू u sin θ। यू कैन से दिस इज u y, और कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, एक u स्क्वायर है, तो एक u को साइन थीटा के साथ यूज करेंगे और एक u को हम लोग कॉस थीटा के साथ यूज करने वाले हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो मेरा जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 2, एक u साइन थीटा को लिखेंगे हम लोग u परपेंडिकुलर, और एक u कॉस थीटा को लिखेंगे हम लोग u पैरेलल अपॉन g। या आप क्या बोलोगे, 2 ux (u y)/g। तो इसका रेंज के फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। एक इस पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्टाइल का, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका, उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10i cap + 5j cap। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज 10i cap + 5j cap मीटर पर सेकेंड, पूछेगा फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। जल्दी बताइए कितना होगा, फाइंड द रेंज ऑफ द पार्टिकल। जल्दी से बोला जाए, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द पार्टिकल। Find the range of the particle. बच्चों क्या हो जाएगा रेंज, जल्दी से बताइए। रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, आपको ये पता है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी आई कैप ये यूएक्स है, और ये जो 5j cap ये UY है। तो रेंज का जो फॉर्मूला लिखेंगे आप, 2 × ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, UX इज इक्वल टू, दिस इज UX 10 एंड UY इज 5 एंड डिवाइडेड बाय g का वैल्यू 10, 10 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, 10 मीटर। द आंसर शुड बी हाउ मच, लेट्स 10 मीटर। The range will be equal to 10 meter. You can take the screenshot.
चलिए बच्चों, और फिर रेन जब हो गया तो अब हम लोग आएंगे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट अगर हम बोल दें कि आप बताइए मुझे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विल बी वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसी को जब आप सॉल्व करेंगे दूसरी तरफ से तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स टेन थीटा और इसको कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स बाई आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। यहाँ पे रेंज के फॉर्म में इसको तोड़ दिया गया बच्चों, है ना, जब आप ये वाले को रेंज बना दें, इसको रेंज आप बना सकते हैं, जब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस ये यहाँ से एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और ये जी को लेके नीचे चले जाइए, तो हो गया टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये जी नीचे के नीचे। और रेंज बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको दो बार लिखिए और यहाँ एक साइन थीटा लिख दीजिए और यहाँ भी एक साइन थीटा लिख दीजिए, तो यहाँ जो रेंज बन जाएगा आपका कौन देखिए, टू यू स्क्वायर एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये रेंज हो जाएगा जो ब्लू वाला है, तो आपका हो जाएगा कितना देखिए, जब ब्लू वाला रेंज हो जाएगा तो ये एक्स टेन थीटा हो गया माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला रेंज कहलाएगा आर, और ये जो है आपका साइन बाई ये कॉस बाई साइन जो कॉट बनेगा, कॉट ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा, और जब आप कॉमन ले लीजिएगा एक्स टेन थीटा को तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस यहाँ एक्स से बचेगा और डिवाइडेड बाई आर। तो ये फॉर्मूला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना, नोट इट डाउन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। This is the equation of trajectory. अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका, अगर आपका कोई प्रोजेक्टाइल है ये y एक्सिस है एंड दिस वन इज x एक्सिस और आपने इसको ऐसे फेंका यहाँ आकर के गिरा, इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वी है, इसका दो कंपोनेंट होगा और उस वक्त एंगल मान लीजिए ये बीटा है, यहाँ पे मान लीजिए एंगल कुछ होगा थीटा और यहाँ है बीटा, तो एक वी का यहाँ पे हो जाएगा वी कॉस बीटा और इस कंपोनेंट इधर लीजिएगा दैट इज वी साइन बीटा। तो यहाँ पे एक सर्टेन टाइम टी के बाद अगर ये पार्टिकल ओ से पॉइंट ए पे चला गया और वहां पे आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए नंबर वन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, टी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, याद रख लीजिए बच्चों, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर माइनस टू जी टी साइन थीटा, याद रख लीजिए इस फॉर्मूला को लगाना आपको, है ना, दैट इज यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस टू जी टी साइन थीटा, बाकी सब दिया हुआ रहेगा आपको, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए नंबर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा जाए कि कितना एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल से, डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे टेन बीटा, मतलब बीटा पूछा अगर तो टेन बीटा इज इक्वल टू ये बीटा एंगल पूछा है कितना एंगल बनाएगा टी टाइम के बाद, पूछा जाता है बच्चों याद रखिएगा, अगर 50 डिग्री 60 डिग्री सी से फेंका एक सेकंड के बाद बताइए वो कितना एंगल बना रहा है, तो योर आंसर विल बी टेन थीटा इनिशियल वाला जो फेंका माइनस जी इंटू टी जितने टाइम के बाद पूछा गया डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, है ना। मान लीजिए इसको हमने फेंका 60 डिग्री से फेंका और पूछा कि एक सेकंड के बाद बताइए कितना होगा एंगल, कितना बनाएगा, ये फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे बनाइएगा बड़ा टफ लगेगा आपको, अगर क्वेश्चन में रहता है कि इनिशियल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री
है ना। अगर आपसे पूछ दिया गया या 60 से अच्छा है थोड़ा सस्ता ले लें 45 डिग्री या 60 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम 60 डिग्री। और हमने पूछा कि 1 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बनाएगा पब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, तुरंत में इस फॉर्मूला में पूछ देंगे टेन बीटा इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री इज हाउ मच रूट थ्री माइनस जी। 1 सेकंड के बाद जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, जी का वैल्यू 10 1 सेकंड के बाद डिवाइडेड बाय कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका था, यू गेट 10। और यहाँ पे बच्चों कॉस, यहाँ पे अगर आप लेंगे कॉस 60 डिग्री तो कॉस थीटा इज 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री लेंगे बच्चों दैट इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा 5 एंड 5 2। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा रूट थ्री माइनस टू, ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा है ना, ये लगभग आ जाएगा माइनस 0. ये 1.732 और पॉइंट कीजिएगा तो 33 के करीब आएगा। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस 0.3, हो सकता है वो माइनस इसलिए आया, हो सकता है एंगल इधर से निकाल रहा हूँ इस साइड आ चुका हूँ है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बच्चे बड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना है ना, नीट के एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए। यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर है? चलिए अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इस वेलोसिटी का वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना, इस वेलोसिटी का अगर निकालना है तो लिखेंगे v बराबर u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा। अगर आपको दे दे कि आपने 60 डिग्री से फेंका, जब ये 30 डिग्री बना रहा हो उस वक्त उसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था तो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया हुआ है और आपने 60 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय cos बीटा, अगर 30 डिग्री पे पूछ देगी कितना होगा, तो मान लीजिए cos 30 डिग्री रूट 3/2 है तो ये 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 10/√3 मीटर पर सेकेंड है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपने इसको फेंका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, जब ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल बना रहा हो है ना, 30 डिग्री एंगल बना रहा हो तो बताइए कि उस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो जस्ट यू विल यूज द फॉर्मूला v बराबर u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा। अंडरस्टैंड और नॉट, है ना। और उस वक्त एक और रिलेशन याद रखिएगा, v sin beta इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। ये भी एक रिलेशन याद रख सकते हैं, अगर कोई रिलेशन पूछ दे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला v sin beta इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, है ना। इस फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन। चलिए बच्चों यू कैन नोट इट डाउन। चलिए बच्चा यू कैन नोट इट डाउन। और ध्यान रखिएगा, आपको बाकी चीजें तो याद ही होगी कि किस एंगल पे रेंज आपका मैक्सिमम होगा, तो आपका जो रेंज मैक्सिमम होगा कितने एंगल पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, एच मैक्स, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, है ना। और अगर आपसे मैं ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स में क्या रिलेशन होगा, एच मैक्स में क्या रिलेशन होगा, इन तीनों का रिलेशन अगर पूछे तो याद रखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2r,
ये किसके बीच का हो गया रिलेशन, टाइम और रेंज के बीच का रिलेशन, tan थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई टू आर। ये फॉर्मूला हमने वहीं से लाया है, ऐसा नहीं किसी सब को सॉल्व करके लाया है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरा, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट और रेंज के केस में, दैट इज टू एच बाई आर, है ना। tan थीटा हाइट और मतलब हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन जो होगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू फोर एच बाई आर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रेंज मैक्सिमम है तो हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा, तो चूंकि आपको पता है कि रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है एट 45 डिग्री, तो उस केस में जो हाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज का जो फॉर्मूला होगा, तो यू कैन राइट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाय r max, एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। उस केस में रेंज जो होगा, मैक्सिमम रेंज, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ h, जो मैक्सिमम हाइट होगा उसका कितना गुना ज्यादा होगा, 4 गुना ज्यादा होता है रेंज, कब, जब रेंज मैक्सिमम हो उस पे, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन नोट इट डाउन। ओके, अब अगर यहाँ पे हम बात करें बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यहाँ आपको एक चीज याद रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट में, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आपने फेंका, अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका लाइक दिस, थ्रो किया आपने किसी प्रोजेक्टाइल को, आपने फेंका इस तरह से, है ना, ये y एक्सिस है एंड दिस वन इज x एक्सिस, और मान लीजिए प्रोजेक्टाइल अभी है यहाँ पे कुछ देर के बाद, जिसकी हाइट h है, कुछ देर के बाद ये फिर से वहीं पहुंच गया उतने ही हाइट पे, हाइट सेम हो गया, मान लीजिए ये t बराबर 0 पे ओरिजिन पे है, ये पॉइंट a है, और यहाँ पे टाइम आपका t बराबर t1 है, जब ये यहाँ पहुंचा टाइम b पॉइंट पे, दैट इज वो टी टू है, यहाँ पे रेंज क्या हो गया, सेम हो गया, और यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो ध्यान देखिएगा, दो पॉइंट है जहाँ पे हाइट क्या है, सेम है, किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आपने फेंका तो दो टाइम पे ये सेम वर्टिकल हाइट पे होगा, जो पॉइंट हमने फिगर में दिखाया है ए और बी, है ना बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम आपसे पूछें कि इस केस में सेम लेवल पे है, इफ ए एंड बी पॉइंट टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा अगर हम बात करें बच्चों, देखिए जब ये यहाँ से यहाँ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इस केस में, तो बच्चों ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है टी वन, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो है टी टू, तो बोलिए बच्चों यहाँ से यहाँ जो सेम हाइट गया, तो यहाँ से यहाँ भी तो सेम टाइम लगेगा, तो यहाँ से टोटल यहाँ तक का टाइम है टी टू, और ये वाला जो टाइम होगा वो टी वन के बराबर होगा, जैसे यहाँ से यहाँ टी वन टाइम है, तो यहाँ से यहाँ भी टी वन टाइम ही लगेगा, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा एच हाइट, उतना ही नीचे आने में। तो अगर टोटल टाइम की बात करें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी तक टी टू टाइम लगा, और बी से ग्राउंड पे आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि ग्राउंड से ए हाइट पे, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो बच्चों ये जो टाइम होगा वो एक्चुअल में टी वन प्लस टी टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है कितना के बराबर होता है, दैट इज टू यू साइन थीटा बाई जी। अगर आपसे पूछे कि इस केस में एच का वैल्यू क्या होगा, यू विल राइट हियर, मतलब वह हाइट, वह प्रोजेक्टाइल का हाइट जिस पे दो बार वो सेम लेवल पे आ जाता है, उस वक्त उस एच का वैल्यू क्या होगा, तो बोलिएगा हाफ जी टी वन इंटू टी टू, दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस केस। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका और दो अलग अलग टाइम पे सेम लेवल पे पहुंच गया, सेम वर्टिकल हाइट पे पहुंच गया, उस केस में एच का वैल्यू कितना होगा, यू विल से हाफ जी इंटू टी वन इंटू टी टू। और तीसरा पॉइंट जो इसमें, अगर हम एवरेज वेलोसिटी कहें कि व्हाट इज द एवरेज, ए वी ई आर ए जी ई, अगर मैं बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी बताइए कितना होगा इन द इंटरवल, इन द इंटरवल ए बी, ए से बी जाने में कितना होगा एवरेज स्पीड, तो यू विल से वी एवरेज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, है ना,
क्योंकि यहाँ पे आप बोलोगे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखिए दोनों का सेम ही हाइट है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होने वाला है ना। लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो किसके बराबर होगा, यू कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसलिए एवरेज भी उतना ही होगा, है ना बच्चा। यू कैन नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब अगर कहते किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आपने फेंका है और बोल दे कि एक सर्टेन एंगल जाने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अगर वो निकालना हो तो बच्चों वहां देख ले। अगर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नीट का फेमस क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड अभी है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, इसका काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है ई। अगर हम आपसे पूछें कि ये मैक्सिमम हाइट पे अगर चला जाए एच मैक्स, तो मैक्सिमम हाइट पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ई फाइनल क्या होगा एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। एनीवन जल्दी से बताइए, किसी प्रोजेक्टाइल को आपने थीटा एंगल से फेंका, यू एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ई, मैक्सिमम हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट। जल्दी से सॉल्व किया जाए बच्चों इस क्वेश्चन को। एनीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइए कितना होगा। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना होगा। एक आंसर आया है मुझे e cos theta। चलिए बच्चों देख लेते हम लोग, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम यू स्क्वायर। एक और आंसर आया है किसी का, अहमद अली e cos 2 theta, और अनामिका इज व्हाट यू स्क्वायर कॉस, अच्छा यहाँ ई कॉस स्क्वायर थीटा है अहमद अली का ना, और अनामिका ने कहा ई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो बेटा देखो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यू वेलोसिटी से फेंक रहे होंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है ना, और इसको आपने ई बोला है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे जो हॉरिजेंटल वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होता है सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। नाउ द काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट विल बी हाफ एम, और यहाँ पे यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देन दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड अगेन यू विल राइट हाफ एम यू स्क्वायर एज ए ई, द आंसर शुड बी इक्वल टू ई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, द आंसर इज वॉट e into cos square theta. This is very very important for NEET, है ना? NEET के लिए बहुत important है, इस तरह के questions पूछे जाते हैं। इस तरह के questions NEET में पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बताइए मुझे कि अगर मैंने आपको दिया कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमने पूछा कि यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर ई है तो बताइए मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा।
एंड दिस इज एच मैक्स, जल्दी से बताइए कितना होगा, ई मैक्स पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अभी आपने लिखा भी है बच्चों e के फाइनल इज इक्वल टू e cos स्क्वायर थीटा, जस्ट पुट देयर वैल्यू, e cos स्क्वायर 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री इज रूट 3 बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे यू विल गेट हेयर 3 e बाई 4, है ना? वेरी गुड, एक आंसर आया भी है पीयूष का, वेरी गुड, दिस इज 3 बाई 4 e, 3 e बाई 4, गुड गुड गुड, 3 e by 4. ओके, एक और आंसर है अनामिका का भी, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये नीट बनाने का चांसेस है। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ऐसा दिया हुआ है, अगर हमने दे दिया वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लाइक दिस, है ना, ध्यान से देखना, अगर मैंने दे दिया दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, है ना, यहाँ पे v नॉट है और यहाँ पे x नॉट है, इस पॉइंट पे यहाँ v नॉट है, तो आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, है ना, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं छोटा छोटा ग्राफ बना दूं तो एक ये होगा, एक ग्राफ इधर बना रहा हूं मैं, एक ग्राफ मैं इधर बना रहा हूं, एक ग्राफ इधर बना रहा हूं, चार ऑप्शंस बना रहा हूं मैं, है ना, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये भी हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये भी हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये भी हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और ये ग्राफ मैंने बनाया, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है, चलिए चार ऑप्शंस हैं आपके पास बच्चों, दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी, वेरी गुड, अनामिका ने बोला है ए, तो आप अपना सॉल्यूशन सोच के रखिए अनामिका, है ना, कि वो कैसे आएगा ए, अनामिका ने वेरी फास्ट जवाब दिया है, एकदम लग रहा है रटी हुई आंसर, अगर तुमने रटा है तो वेरी गुड, है ना, लेकिन समझना भी है, और अगर आपने इसको रट लिया है इसका मतलब आपको पता है कि ये नीट में आने वाला है ना, गुड गुड गुड, रंजन ने भी बोला ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बट कैसे आएगा, कैसे आया, आपने ए क्यों बोला, बोलिए बच्चों ए क्यों बोला, ए क्यों बोला बच्चों, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहा है यहाँ पे, है ना, इसका जो इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे वी नॉट है, और स्लोप की अगर हम बात करें कि स्लोप क्या होगा,
आपको पता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो होता है वो होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस थीटा, एम एक्स प्लस सी। तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, स्लोप आपका निगेटिव है, एक्स एक्सिस पे आपका एक्स है और इंटरसेप्ट, बोलिए इंटरसेप्ट क्या है? जब एक्स का वैल्यू आप जीरो लोगे यहाँ पे, इंटरसेप्ट क्या बताता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ का। अगर इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वाई इज इक्वल टू सी, दैट इज इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अगर आप एक्स का वैल्यू अगर जीरो लोगे तो उस वक्त वेलोसिटी आपका वी नॉट होगा। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे वो तो आप वी नॉट लिखोगे और स्लोप जो होगा वो टेन थीटा की अगर हम बात करेंगे दैट इज वी नॉट बाई एक्स नॉट। टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे स्लोप, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वी, वी नॉट एक्स नॉट इंटू वी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वी बराबर, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा ये जो स्लोप हो जाएगा, वेरी गुड, स्लोप इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, निगेटिव है, दिस इज द स्लोप। तो एम के जगह पे रख देंगे हम लोग ये माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट और इंटू एक्स और दिस इज द वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, स्लोप के जगह पे हमने लिखा माइनस वी नॉट बाई एक्स, एक्स नॉट, एक्स के जगह पे एक्स और स्लोप के जगह पे वी नॉट। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया इससे। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डीवी बाई, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डीवी बाई डीटी से, या आपको मैंने बोला था वी डीवी बाई डीएक्स इससे, है ना। तो इससे करेंगे तो एक बार वी के जगह पे ये पूरा का पूरा बैठा दीजिएगा और एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हेयर वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। तो यहाँ पे भी आप जब देखेंगे बच्चों तो इंटरसेप्ट आपका निगेटिव में आएगा और स्लोप जो आपका पॉजिटिव में आएगा, इंटरसेप्ट आपका निगेटिव में आएगा और स्लोप कहाँ आएगा पॉजिटिव में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड अनामिका। तो इंटरसेप्ट आपका निगेटिव में आ गया, यहाँ पे देखेंगे माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, ये इंटरसेप्ट निगेटिव में और यहाँ से स्लोप आपका ये वाला जो एम है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ जाता है, इसमें स्लोप निगेटिव है, इसमें स्लोप जीरो है, इसमें स्लोप नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप इसमें है, देन द आंसर विल बी इक्वल टू वन। वेरी गुड अनामिका, तुमने बड़ा अच्छा आंसर किया, गुड गुड। बच्चों अभी